इतने बड़े कायर प्रधानमंत्री, इतने कमजोर प्रधानमंत्री मैंने जिंदगी में नहीं देखे हैं। अपने 56 इंच की सीने की बात करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ उस 56 इंच के सीने के अंदर दिल भी है कि नहीं। अपने दिल की नाप बताइए, अपने दिल की नाप बताइए, क्योंकि हिंदुस्तान को आपका दिल नहीं दिख रहा। आप जनता के हमदर्द नहीं हैं, आप अपने उद्योगपति दोस्तों के हमदर्द हैं, अपनी सत्ता के हमदर्द हैं, और अपनी सत्ता की मोह माया में आप सब कुछ भूल चुके हैं, जनता से नाता तोड़ चुके हैं। और अब चुनाव का समय आ गया, अब घबराहट होने लग गई, क्योंकि कायर तो है ही, तो घबराहट होने लग गई कि किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, बुनकर नाराज है, चलो जल्दी जल्दी योजनाएं निकालते हैं, नए नए प्रचार करते हैं, नए नए प्रचार करते हैं। तो किसान सम्मान योजना निकाली, सुन लीजिए कितना सम्मान करते हैं आपका। 5 सालों से आपको नकारा, आपकी बीमा लेकर उद्योगपतियों को दी, आपके कर्ज माफ करने के बजाय उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए, चुनाव के समय किसान का सम्मान याद आया, और कैसा सम्मान, 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना देना चाहते हैं आपको। सबसे पहले तो महंगाई से मारे डाले हैं आपको, उसके बाद कहते हैं 6,000 रुपए देंगे हम सालाना। 6,000 रुपए का क्या मतलब है? मतलब कि अगर 4-5 सदस्य आपके परिवार में, तो साल में दिन में एक दिन में एक सदस्य को मात्र 2 रुपए मिलेंगे। बताइए 2 रुपए में क्या मिलेगा आपको? ये आपकी सम्मान की योजना है कि आपका घोर अपमान हो रहा है? और जब आपके सामने आकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपमानित कर रहे हैं कि आपको सम्मानित कर रहे हैं? आदर ही नहीं है आपके लिए इनके दिलों में। ये सोचते हैं कि 6,000 रुपए का घूस देकर आपके वोट लेंगे। ये जानते नहीं है कि इस देश की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, बहुत जागरूक जनता है। इस देश की जनता में बहुत विवेक है। आपने बड़े बड़ों को सबक सिखाया है। जो नेता इस सच्चाई को मान नहीं सकता कि एक लोकतंत्र में जनता की शक्ति सबसे बुलंद है, वो नेता एक दिन गिरेगा, उसका अहंकार टूटेगा, उसकी सत्ता जनता उससे छीनेगी, कोई और नेता नहीं छीनेगा, जनता छीनेगी। और मैं आपसे कहने आई हूँ कि समय आ गया है, सत्ता छीनिए इनसे, अपने हाथों में लीजिए, अपने अधिकारों अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए, जागरूक बनिए।